हेलो एवरीवन, तो नीट का रिजल्ट फाइनली आउट हो चुका है। आप लोगों ने अपने रिजल्ट्स को देख लिया होगा। काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ रहा है इस साल, क्योंकि कैंडिडेट्स का नंबर काफ़ी ज़्यादा था। सब लोग ये सोच रहे थे कि केमिस्ट्री काफ़ी डीप में पूछी गई थी, तो हो सकता कट ऑफ इस बार फॉल करे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। काफ़ी ज़्यादा राइज कर गई है कट ऑफ, जो कि हमेशा से होता रहा है। सभी लोग अब ये सोच रहे होंगे कि अब फाइनली मार्क्स हमें पता चल चुके हैं, तो अब हमें मेडिकल कॉलेज कौन सा मिलेगा, ये सभी लोग सोच रहे होंगे। तो आज मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU लखनऊ की, जिसकी कट ऑफ लास्ट ईयर नीट 2022 में थी। जनरल कैटेगरी के लिए रैंक जो थी वो थी 2906 और जो मार्क्स थे वो थे 660 मार्क्स, और OBC कैटेगरी के लिए जो लास्ट रैंक थी वो थी 3872 और मार्क्स थे 652, और SC कैटेगरी के लिए 44,843 रैंक थी क्लोजर रैंक, और जो मार्क्स थे वो थे 556। तो इसके कट ऑफ नीट 2023 में कुछ इस तरीके से रहने वाली है। जनरल कैटेगरी के लिए रहेंगे 665 प्लस, OBC के लिए 655 प्लस, SC कैटेगरी के लिए 570 प्लस और ST कैटेगरी के लिए 350 प्लस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस लखनऊ यानी डॉक्टर RMLIMS लखनऊ की, जहां मैं पढ़ता हूं। तो इसके कट ऑफ लास्ट ईयर 2022 में कुछ इस तरीके से थी। जनरल कैटेगरी के लिए जो इसका क्लोजिंग रैंक थी वो थी 4094 और मार्क्स थे 651, एंड OBC के लिए 4709 रैंक थी ऑल इंडिया रैंक, और जो क्लोजर मार्क्स था वो था 649। तो ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हुआ, सिर्फ 2 मार्क्स का ही डिफरेंस आया था। और SC कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 54025 यानी 54025, और जो मार्क्स थे वो थे 542, एंड जो ST कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक थी वो थी 125908 और जो क्लोजिंग मार्क्स थे वो थे 450। तो इस साल इसकी नीट 2023 में कट ऑफ रहने वाली है। जनरल कैटेगरी के लिए मार्क्स जो होने चाहिए वो रहने चाहिए 655 प्लस, तब आपको RMLIMS लखनऊ मिल सकता है। OBC कैटेगरी के लिए 650 प्लस एंड SC कैटेगरी के लिए 545 प्लस तो होना ही चाहिए, और ST कैटेगरी के लिए 450 प्लस। इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, आपको होपफुली इस बार RMLIMS लखनऊ मिल जाएगा। थर्ड हम लोग बात करते हैं GSVM कानपुर की, जिसकी कट ऑफ लास्ट ईयर थी। जनरल कैटेगरी के लिए 5371 ऑल इंडिया रैंक और जो मार्क्स थे वो थे 645। OBC कैटेगरी के लिए जो रैंक थी वो थी 6341 और मार्क्स थे 641। जनरल EWS कैटेगरी के लिए जो थी वो थी 6725 और जो मार्क्स थे वो थे 640। SC कैटेगरी के लिए जो ऑल इंडिया रैंक थी क्लोजिंग रैंक वो थी 68819 और जो क्लोजिंग मार्क्स थे वो थे 520। और ST कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी GSVM कानपुर के लिए वो थी 179189, जो क्लोजिंग मार्क्स थे वो थे 400। तो इस बार नीट 2023 में इसकी क्या कट ऑफ रहने वाली है, तो वो है इस तरीके से। जनरल कैटेगरी के लिए वो है 645 प्लस या 650 के अराउंड आपके मार्क्स तो होने ही चाहिए, मतलब जस्ट 650 के टच में होने चाहिए, तब आपको आराम से मिल सकता है। OBC कैटेगरी के लिए जो होना चाहिए मार्क्स वो है 645 के अराउंड, और जनरल EWS कैटेगरी के लिए वो 640 के अराउंड होने चाहिए। SC कैटेगरी के लिए 530 के अराउंड एंड ST कैटेगरी के लिए 410 प्लस मार्क्स होने चाहिए। अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं तो आपको GSVM कानपुर आसानी से मिल सकता है। फोर्थ हम लोग बात करते हैं MLA प्रयागराज के बारे में। तो ये भी काफ़ी पुराने मेडिकल कॉलेज है, और इसकी जो कट ऑफ नीट 2022 में थी वो थी कैटेगरी के लिए 6504, ये क्लोजिंग रैंक थी फॉर द जनरल कैटेगरी, और मार्क्स थे 641। OBC कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 7360 और मार्क्स थे 638। SC कैटेगरी के लिए 74729 और मार्क्स थे 510। ST कैटेगरी के लिए 204195 और जो मार्क्स थे वो थे 392। तो इस बार नहीं 2023 में कितने मार्क्स पर आपको MLN प्रयागराज मिल सकता है, तो वो है जनरल कैटेगरी के लिए 645 प्लस मार्क्स होने चाहिए, OBC कैटेगरी के लिए 640 प्लस, SC कैटेगरी के लिए 510 प्लस एंड ST कैटेगरी के लिए 395 प्लस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं LLRM मेरठ की, जो नीट 2022 में इसकी कट ऑफ रही थी
थी जनरल कैटेगरी के लिए 7,392 ये क्लोजिंग रैंक थी फॉर द जनरल कैटेगरी और जो मार्क्स थे वो थे 638। ओबीसी कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 8,178 और जो क्लोजिंग मार्क्स थे वो थे 635। और एससी कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 72,306 और जो क्लोजिंग मार्क्स थे वो थे 505। और एसटी कैटेगरी के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 250,121 और जो क्लोजिंग मार्क्स थे वो थे 380। तो नीट 2023 में कितने मार्क्स पर आपको LLRM मेरिट मिल सकता है, तो वो है जनरल कैटेगरी के लिए 645 प्लस मार्क्स होने चाहिए, ओबीसी के लिए 635 प्लस, एससी कैटेगरी के लिए 507 प्लस तो होने ही चाहिए, मतलब अराउंड 510 तो मिल सकता है आसानी से एससी कैटेगरी के लिए। और एसटी कैटेगरी के लिए जो मार्क्स होने चाहिए वो होने चाहिए 380 प्लस। यूपी के इतने ही मेडिकल कॉलेजेस को आज मैंने इस वीडियो में कवर किया है। होप आपको आपका बेस्ट मेडिकल कॉलेज जो आप चाहते हैं वो आपको मिले। और बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।